आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट के मोदक, जो कि खाने में तो टेस्टी होते ही है और बनाने में भी वो बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पूनम्स किचन में। तो सबसे पहले गैस के ऊपर एक पैन को गरम रखकर उसमें हम 1 टेबलस्पून घी डाल लेंगे। घी को पैन के चारों तरफ अच्छे से फैलाकर उसके अंदर मैं डाल देती हूँ यहाँ पर 1/2 कप मोटे कटी हुई बादाम और यहाँ ले रही हूँ मैं 1/4 कप मोटे कटे हुए काजू। यहाँ पर मैंने बादाम और काजू का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो आपके मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल सकते हो। यहाँ पर हमने लो फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से रोस्ट करना है। याद रखिए, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ड्राई फ्रूट बहुत ही जल्दी जल सकते हैं। इसके अंदर हल्के से भी अगर ड्राई फ्रूट जल गए तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे कंटिन्यू चला लेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ना हो जाए। आप चाहो तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट को डायरेक्टली भी डाल सकते हो, पर अगर हमने इसे इस तरह से रोस्ट कर लिया तो इसका क्रंचीनेस भी बना रहेगा और लंबे समय तक ये मोदक खराब नहीं होंगे। तो अब हम सारे ड्राई फ्रूट को पैन से निकाल लेंगे और सेम पैन के अंदर मैं डाल देती हूँ यहाँ पर 1 टेबलस्पून पॉपी सीड्स यानी कि खसखस और 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पर खरबूजे के बीज। इन दोनों को हम इस पैन के अंदर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। याद रखिए, हमें अब घी का इस्तेमाल नहीं करना है, जो पैन के अंदर घी लगा है हम उसी के अंदर इसे रोस्ट करेंगे। यहाँ पर 1 मिनट के अंदर ही खसखस अच्छे से चटकने लगी है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे खजूर। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को लो ही रखा और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप खजूर। अगर पीसेस में देखा जाए तो ये 15 पीसेस है खजूर के। मीडियम साइज वाली खजूर मैंने ली है 15 पीसेस। यहाँ पर मैंने खजूर के सीड्स निकालकर इसे छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। अब हम पैन में इसे इस तरह से स्पैचुला से प्रेस करते हुए रोस्ट करेंगे। ये जैसे जैसे गर्म होते जाएगा ये सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छे से प्रेस करने से ये जल्दी से सॉफ्ट भी होते हैं और थोड़े से मैश भी हो जाते हैं। इस तरह से इसे मैश करने से जब हम इसके ड्राई फ्रूट के मोदक बनाएंगे तो आपस में इसे बाकी सब ड्राई फ्रूट्स के साथ बाइंडिंग मिलने में आसानी होगी। यहाँ पर आप खजूर की जगह पर अंजीर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अंजीर से भी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से बाइंडिंग भी आती है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। जितनी क्वांटिटी में हमने यहाँ पर खजूर ली है उतनी ही क्वांटिटी में आप यहाँ पर अंजीर ले सकते हो। तो यहाँ देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हम इसे कंटिन्यू दबाते हुए इस तरह से रोस्ट कर रहे हैं। फ्लेम को हमने लो ही रखा है। अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप किशमिश ली है। बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में मैंने किशमिश को काट लिया है और इसे भी हम इस तरह इसके अंदर प्रेस करते हुए चला लेंगे। किशमिश डालने के बाद हम इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए ही कुक करेंगे, क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ देखिए, बहुत ही अच्छे से डो की तरह बन चुका है। तो अब हम इसे फ्लेम को ऑफ कर ले लेते हैं प्लेट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसे ट्रांसफर कर लिया प्लेट के अंदर। जो मैंने रोस्ट करके ड्राई फ्रूट रखे थे वो भी ले लिए। अब हम इसमें डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट 1/2 कप। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डेसिकेटेड कोकोनट को आप चाहो तो पैन के अंदर भी डाल सकते हो। अगर आपने डेसिकेटेड कोकोनट की जगह पर घर का नारियल का बुरादा इस्तेमाल किया है तो आपको इसे घी के साथ थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना होगा। यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया, इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली यूज कर लिया है। अब हम इसे स्पून को अलग रख देंगे और हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये गरम गरम हो तभी आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि खजूर ठंडी होने के बाद थोड़ी सी टाइट हो जाती है तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी। इसे हम अच्छे से गूंथते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स खजूर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और इसे एक अच्छे से बाइंडिंग मिल जाए। तो यहाँ देखिए, बहुत ही अच्छे से हमारा ड्राई फ्रूट का डो बनकर तैयार है। तो अब हम बना लेते हैं इससे फटाफट से मोदक। तो मोदक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया इस तरह से मोदक का मोल्ड। अगर आपके पास इस तरह का मोदक का मोल्ड ना हो तो आप इस ड्राई फ्रूट से लड्डू का शेप भी बना सकते हो या फिर मोदक का शेप भी हाथों से बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने मोल्ड को लगा लिया थोड़ा सा घी और अब हम ले लेंगे एक छोटा सा पोर्शन ड्राई फ्रूट के डो का और इस तरह से इसके अंदर डालकर इसे हाथों से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और अच्छे से प्रेस कर इस मोल्ड को ओपन करेंगे। तो यहाँ देखिए, बहुत ही अच्छे से इसका मोदक बनकर तैयार होता है। बहुत ही आसानी से ये मोदक बन जाते हैं। इस तरह से मैं बाकी के सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने इस तरह से अच्छे से प्रेस करते हुए इसे फिल कर लिया। यहाँ पर ये देखिए, मोदक बनकर तैयार है। बहुत ही आसानी से इसके मोदक बन जाते हैं। तो एक एक कर मैंने यहाँ पर सभी मोदक बनाकर तैयार कर लिए है ना। बहुत ही आसान सी मोदक की रेसिपी। इस तरह से ड्राई फ्रूट के मोदक अगर आपने बना के रख लिए तो आपको बनाने में भी आसानी होगी। कम समय में हेल्दी से मोदक आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, हमें कमेंट्स कर जरूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।